आपको लेकर चलते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर, जिसके लिए चीन ने वीजा देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ये धार्मिक यात्रा दोनों देशों के सैलानियों के बीच सीमा पर हिंसक झड़प और कोरोना महामारी की वजह से 3 साल तक बंद पड़ी हुई थी, लेकिन ऐसे में अच्छी खबर यह है कि 36 महीने के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वीजा देना शुरू कर दिया है। हालांकि उसने कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े नियमों को पहले की तुलना में काफी ज्यादा सख्त भी कर दिया है, जिसमें धार्मिक यात्रा के दौरान लगने वाली फीस को दोगुना करने का भी फैसला लिया गया है। बिल्कुल, अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से समझा देते हैं कि किस तरीके से ये यात्रा रहने वाली है। मसलन अब भारतीय नागरिकों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कम से कम 1,85,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए कोई भी तीर्थयात्री अगर किसी सहायक या हेल्पर को अपने साथ रखता है तो ग्राफ डैमेजिंग फी के नाम पर उसे एक अलग से करीब $300 यानी कि 24,000 रुपए देने हो। बिल्कुल गुंजन, और यही नहीं, किसी हेल्पर को साथ रखने पर 15 दिनों के लिए प्रवास 30 नाम की रकम को भी 4,200 रुपए से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया गया है। तो यानी जिन नियमों की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा और कठिन हो गई है, उसमें तीर्थयात्रियों को चीन से वीजा लेने के लिए शारीरिक रूप से खुद मौजूद रहना होगा, ये एक बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल, इसके अलावा वीजा पाने के लिए अब कम से कम 5 लोगों का ग्रुप होना जरूरी है। इसमें से 4 लोगों को हर हाल में वीजा के लिए खुद पहुंचना होगा, तभी 5 लोगों के समूह को मानसरोवर यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। उसके बाद यात्रियों को काठमांडू या दूसरे बेस कैंप पर बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ी प्रक्रिया से होकर भी गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, और डेटाबेस के लिए तीर्थयात्रियों को फिंगर मास्क और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग भी करवानी होगी। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो अब नियम है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वो अब बदलने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए अब बात हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता की करते हैं जहां पर कैलाश मानसरोवर पर्वत का शिखर है, वहां भोलेनाथ का वास है, इसलिए हर साल भारत से भी सैकड़ों तीर्थयात्री अपने देवाधिदेव महादेव के दर्शन के लिए वहां जाते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर के बीच आयोजित करवाई जाती है, जिसको पूरा करने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है। 3 अलग अलग रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा की जा सकती है। इन तीनों रूटों पर कम से कम 14 और अधिकतम 21 दिन का समय लगता है। भोले के बेताब भक्तों के लिए अच्छी खबर है, 3 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। पिछली बार ये यात्रा 2019 में हुई थी और इस बार एक बार फिर से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। हम मौजूद हैं इंदिरापुरम के कैलाश मानसरोवर भ्रमण में और यहाँ पर फिलहाल तो आपको सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आने वाले कुछ वक्त में सारी हलचल यहीं से शुरू होती है। आपको बता दूं कि कैलाश मानसरोवर आप लोग जानते ही हैं कि तिब्बत में है और तिब्बत जाने के लिए चीन का वीजा लेना पड़ता है और चीनी सरकार ने ही अपनी वेबसाइट पर अब यात्रा करने के लिए नियम कानून सब कुछ वहां पर डाल दिया है। इस वेबसाइट के मुताबिक ये कहा गया है कि जो भी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें काठमांडू बेस पर ही अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन करानी होगी। इसके लिए फिंगर मार्क्स और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग होगी। साथ ही यात्रा पर लगने वाले कई तरह के जो फीस हैं वो हालांकि बढ़ा दी गई हैं, लेकिन टोटल जो खर्च है वो बताया जा रहा है कि लगभग 1,85,000 के आसपास आएगा। वीजा पाने के लिए शर्त ये भी रखी गई है कि कम से कम 5 लोग एक साथ अप्लाई करेंगे और 5 में से लगभग 4 यात्रियों को फिजिकली प्रेजेंट होकर अपना जो चेकअप है वो सब कुछ करवाना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए बैठना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पहली बार, इससे पहले 2019 में यात्रा हुई थी, तब लगभग भारत से 31,000 लोग इस यात्रा में पहुंचे थे। उसके बाद कोविड आया और उसके बाद फिर चीन के साथ जो हमारे संबंध थे वो खराब हुए, तनातनी बनी रही, जिसके बाद यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इस साल यात्रा को शुरू किया जा रहा है। तो अगर आप भी भोले के भक्त हैं और कैलाश मानसरोवर तक जाना चाहते हैं तो तैयारी कर लीजिए और अपने कागजात के साथ जल्द ही आपको क्या कुछ करना है ये सारा प्रोसेस आगे मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यही कि आप कम से कम कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए अपना बैग तो पैक कर ही सकते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद।